गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विजिट वीज़ा के बारे में। दरअसल बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जैसे कि बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि विजिट वीज़ा उनका निकल नहीं रहा या फिर कोई इशूज़ आ रहे हैं। अभी क्या दिक्कत है, क्या कोई स्टेज वाइज प्रॉब्लम चल रही है, मतलब विजिट वीज़ा निकलने में आखिरकार प्रॉब्लम क्यों है। तो आज हम आपको नई अपडेट के बारे में बताने वाले हैं कि क्या है विजिट वीज़ा की नई अपडेट, क्योंकि कल है 1 तारीख, कल से काफ़ी कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है जिसकी वजह से आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल विजिट वीज़ा, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईद, रमज़ान और ईद का टाइम चल रहा था, रमज़ान और ईद के टाइम में क्या होता है ना, वर्किंग हावर्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जो विजिट वीज़ा निकलने का प्रोसेस टाइम होता है वो कुछ ज़्यादा ले लेता है, मतलब जैसा कि कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है, कभी कभी 15 दिन भी लग जाता है। तो लोग ये कह रहे थे, और किसी का निकल नहीं आ रहा था, कोई एरर बता रहा था, कुछ भी एक्सवाइजेड हो सकता है, ठीक है। तो अभी यानी कल से क्या हुआ कि जैसे आप सभी को पता है, ये जो भी फेस्टिवल थे वो सारे खत्म हो गए, अभी बैक टू वर्क सब कुछ हो चुका है। तो अभी क्या हो रहा है कि आप वीज़ा कहीं का भी लें, किसी भी स्टेज का लें, आसानी से मिल जा रहा है। और ये वीज़ा आपको कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, मतलब ये नहीं कि आपको पहले जैसा 15-20 दिन इंतज़ार करना होगा, आपको ईजिली 2 से 3 दिन में वीज़ा मिल जाएगा, विजिट वीज़ा आपको। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना है, प्लस जो और किसी ऐसे बंदे से आप अप्लाई करवाएं जो वाकई में करता हो, ठीक है। और कोशिश करिए कि कोई अच्छी कंसल्टेंसी हो या फिर कोई ट्रेवल एजेंसी हो जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हों, उन्हीं से वीज़ा अप्लाई करवाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि बल्क में वीज़े होते हैं उसमें जल्दी निकल आता है। अभी मान लीजिए जिनका काम ही होता है कि विजिट दिन में 2, 4, 5, 10 निकालना ही निकालना होता है, तो उनसे अगर करवाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप अपने आसपास देख लीजिए, अदरवाइज अपने डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म करवाइए, पासपोर्ट को सही रखिए, डेट वगैरह सारा कुछ चेक कर लीजिए, फोटोग्राफ्स वगैरह चेक कर लीजिए, और फिर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि भी नहीं, किसी स्टेज वाइज वीज़ा नहीं निकल रहा है या फिर कोई ऐसा इशू है, कुछ नहीं है, सारा नॉर्मल है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही रखिए, अप्लाई करिए, आपको वीज़ा आपका मिल जाएगा। भले ही आप अजमान से लें, शारजा से लें, दुबई से, रसल खेमा से, कहीं से भी लें, एक्सवाइजर, ठीक है। तो बहुत से लोगों के सवाल थे, तो भैया ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीज़ा जिसको भी चाहिए वीज़ा आराम से ले सकता है। तो एक छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।